और बात नोएडा के गालीबाज नेता की, जो अब तक पकड़ से बाहर है। दो दिन से वीडियो वायरल है खुलेआम। उस वीडियो में वो महिला को धमकाता दिख रहा है, गाली दे रहा है, देखने की बात कर रहा है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस तो दावा कर रही थी कि जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेता भी पहुंचे थे, दावा कर रहे थे कि जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब तक ये गिरफ्तार से बाहर है। भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द गिरफ्तार होगी, लेकिन श्रीकांत त्यागी कहां है? श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब तक होगी? ये बददिमाग नेता कब तक पकड़ा जाएगा? ये सवाल बना हुआ है। श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी। श्रेया, ये गालीबाज नेता, ये बददिमाग नेता, सवाल यही कि गिरफ्तार कब होगा? पुलिस तो कह रही थी कि जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन ये तो बाहर है, फरार है, कहां है ये? बिल्कुल, देखिए दो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक तो सेक्शन 354 के तहत दर्ज हुई है। हम अभी ग्रैंड मैक्स में ठीक श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कोई अता पता नहीं है। नोएडा पुलिस का ये कहना है कि जगह जगह उन्होंने छापेमारी की है, जैसे कि गाजियाबाद, गुड़गांव, लखनऊ से लेकर नोएडा, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी छुपके बैठे हैं। कईयों का ये भी कहना है कि जब दूसरे जगह इलीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जिस इलीगल स्ट्रक्चर के मसले को लेके इतनी बड़ी विवाद हो गई, उस पे कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं ले गई, ना कोई बुलडोजर चला। तो कई लोगों की कई सारे ये बयान है, लेकिन अभी तक अगर श्रीकांत त्यागी की बात करें तो वो अभी भी फरार है। दो दिन हो चुके हैं, दो एफआईआर भी दर्ज हो गए हैं। एक एफआईआर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार के लिए दर्ज हुआ है, दूसरी एफआईआर उन्होंने यूपी सरकार की लोगो अपनी गाड़ी में लगाई थी, इसके खिलाफ भी उनके एक एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक श्रीकांत त्यागी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। श्रेया, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो दो एफआईआर दर्ज हो गए हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी इसकी हुई नहीं है। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुना दें आपको। श्रीकांत त्यागी नाम का एक व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के चार अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया, उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे तीन गाड़ियां थी, दो गाड़ियां उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजन के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया, और एक गाड़ी जो फॉर्चुनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन के का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है एवं हाथापाई कर रहा है। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया एवं टीमें गठित करके लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अभी तक की विवेचनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत धारा 323, 504, 506 एवं 447 की बढ़ोतरी की गई है एवं जितने भी उनके निकट परिजन हमें मिल रहे हैं उन सभी से पूछताछ की जा रही है, सभी संभावित ठिकानों को छाना जा रहा है एवं जितना भी टेक्निकल माध्यमों से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता है वो सब भी किया जा रहा है। तो पुलिस वही बात कह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे, हालांकि गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। श्रेया, एक बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह से गाड़ियों पर स्टिकर्स थे तो कहीं ये कोई जालसाज तो नहीं था, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी लगातार कह रहे हैं कि था, कुछ कह रहे नहीं था, हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि नहीं था। क्या कोई पॉलिटिकल लिंक था या किसी संगठन से जुड़ा था ये? देखिए, अगर पॉलिटिकल लिंक नहीं था तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर ही स्पष्ट होगी कि किसके हवाले देते हुए श्रीकांत त्यागी ऐसे बदसलूकी करते थे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, और अगर उन्होंने स्टिकर लगा के अपनी गाड़ी में घूम रहे थे तो इतने दिनों से पुलिस कहां थी और इतने दिनों से जो अथॉरिटीज है उनके नजर में ये बात क्यों नहीं आए? क्योंकि ये आज की बात नहीं है। यहाँ पे जो रेसिडेंट्स रहते हैं उन्होंने ये कहा कि बार बार उन्होंने ये शिकायत दी है कि यहाँ
पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और कैसे वो बदसलूकी से लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। लेकिन इतने दिनों से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अथॉरिटीज थी वो सो रही थी। अगर जालसाजी करके भी एक गाड़ी में स्टिकर लगाई गई तो अब तक एक्शन क्यों नहीं ली गई, और जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल क्या कर रही थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल से लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब जो सियासी बयानबाजी है वो भी शुरू हो गए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं, सुना दें आपको। मुझे लगता है कि वो वीडियो देखने के बाद उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस तरीके के त्यागी भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं है, ऐसे त्यागियों की जमात भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, जो महिलाओं से अभद्र बात, अभद्र व्यवहार, उनके साथ छेड़खानी, यही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। एक प्रकरण नहीं, सिलसिला है। भाजपा के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे छोटे भैया नेता हो, अहंकार उनका सर पर चढ़ के बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए। कहां है बुलडोजर जो महिला को शरेआम इस तरह अपमानित कर रहा हो? तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा पर जो एक अहंकार गुंडागर्दी का एक बोझ है वो निसंदेह समाज के लिए घातक है। ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है, और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम, मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी है। और मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं।